channel Beauty Blossom. If you are new here, then please make sure to subscribe my channel. I make videos on beauty and skincare products. So let's roll into the video. तो आज हम रिव्यू करेंगे वादी हर्बल ब्रांड से इस लिप बाम की. सो दिस इज़ इन द वेरिएंट स्ट्रॉबेरी, एज यू गाइस कैन सी हियर दिस वन. तो ये कुछ इस टब में आता है जो कि काफ़ी हैंडी और ट्रैवल फ्रेंडली है. इसकी जो लिड है वो प्लास्टिक की है एंड जो ये टब है वो ग्लास में आता है. सो इट इज़ वेरी स्टडी. सो हम देख लेते हैं इसकी जो क्वांटिटी है वो है 10 grams. इसकी जो क्वांटिटी है वो है 10 grams और इसकी जो MRP है वो है 69. सो ऑलमोस्ट 70 rupees की आती है और मैंने ही परचेज़ की थी नाइका से. सो मुझे कुछ डिस्काउंट पे मिल गई थी. सो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे अगर आपको परचेज़ करना है तो. सो इसमें 3-4 वेरिएंट आते हैं. मैंने इसको स्ट्रॉबेरी में ऑर्डर किया था. ये कुछ ऐसा दिखता है, जेली लाइक कंसिस्टेंसी इसकी आप देख सकते हैं. और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है फॉर 3 ईयर्स. 21 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग थी और 24 में इसकी एक्सपायरी है. और अभी हम इसको थोड़ा अप्लाई करके देख लेते हैं. ये काफ़ी क्रीमी है और ये लगाने के बाद ये कोई टिंट नहीं देता है. काफ़ी लाइट सा शीयर सा टिंट है इसका, कोई डार्क नहीं है. ऐसा नहीं लगेगा कि कोई लिपस्टिक लगाई है, एक नॉर्मल लिप बाम के जैसी है. और ये लगाने के बाद आपके 2 से 3 घंटे आपके लिप्स पे रहेगा और अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है आपके लिप्स को. सो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अफोर्डेबल रेंज में लिप बाम के लिए. सो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हैं. मैं खुद भी इसको 2 महीने से लगा रही हूँ एंड इट्स वेरी गुड. इट मॉइस्चराइज योर लिप्स सो वेल. ओके सो थैंक यू सो मच.